दबंग की दबंगाई का आलम कुछ ऐसा हुआ कि गांव के सामूहिक बैठक में ना सिर्फ सरपंच के साथ बल्कि महिलाओं के साथ भी आपत्तिजनक अश्लील गाली गलौज कर दिया गया। ताजा मामला कसडौल थाना क्षेत्र के ग्राम दर्रा का है, जहां प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हुआ, जिसके बाद दबंग ब्रिज पठारे और उनके साथी ने प्रशासनिक अमला के साथ योजना से जुड़े महिला सहित सरपंच के साथ गाली गलौज कर बदसलूकी करने लगे, जिससे गुस्साए सैकड़ों ग्रामीण कसडौल थाना पहुंचे। मामले को संज्ञान में लेते हुए थाना प्रभारी के निर्देश में कसडौल पुलिस द्वारा तत्काल ब्रिज पठारे और उनके साथी को थाना लाकर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई किया। वहीं ग्रामीणों ने ब्रिज पठारे और उनके साथी के ऊपर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। हाँ, हम तहसीलदार पटवारी जाके कल टोरवाई से फोरवाई से आओ बढ़िया मजा से शांत करवाई से शांत करवा के एक बार बाद में हम टोरवाए हैं। तो आज एक साइड ला टोरवाए हैं तो कुछ नहीं बोली से, लेकिन ओ पाल ला टोरवाए हैं ना तो वह बोली से और आज गरवाल चलान भी नहीं दे हुआ और आके वह झगड़ा लड़ाई मता थे। तो दाई जैसे आप मन करा गाली गलौज के मामला ऐसे हाँ। गाली गलौज होए के बाद आप कसडौल थाने में आ रहे हो, कसडौल के थाना प्रभारी आपला का कुछ आश्वासन दी से या तुम जिन गाली गलौज करी से कर का गिरफ्तारी हो पाए? अभी तो पता नहीं हो है या नहीं हो है, हमला पता नहीं है। हम गए हैं चार पाँच है वहाँ अंदर में साहब बोली से ओकर हमन कुछ करबो, आज तो हम अंदर करत हन कहीं से कालो चलान हुई 3 बजे तुम नहा कहे है और 3 बजे हम नहा के बोल हमला कड़ी से कड़ा सजा चाहिए। हम आज एक आदमी ला तो हम जाके चार झला गाली दे देते, चार जन के समाज में हमला मारे पीटे धर लेते हैं, ककरो हाथ धरत ककरो पाँव धरत, कल हम खार जाबो तो खार में हमला का करियो होते कर कौन जवाबदारी लिही। दाई निश्चित तौर पे शासन के द्वारा बिहान योजना निकाले गए हैं, महिला के लिए सुरक्षा के बात होते हाँ। ऐसे में चारिहारी बीच में तुम गाली गलौज करी हाँ। तुमन का कुछ मांग रखे हो, आगे तुमन कहाँ तक जाओ अगर तुमन ला उचित कार्रवाई नहीं हुई? हाँ, हम उचित कार्रवाई नहीं हो तो जहाँ जाए हम बलौदा बाजार जाबो, कलेक्टर ऑफिस जाबो, कलेक्टर ऑफिस ले आओ, आगे जाना पड़ी तो वहाँ जाबो। का नाम है दाई आपके? मोर सुरसरी का वार्ता ग्राम पंचायत दर्रा से। आज मैं सरपंच ग्राम पंचायत दर्रा का सरपंच हूँ। आज महिला समूह द्वारा पूरे ग्राम पंचायत में पूरे महिला और पुरुष के बैठक किए गए थे, जिसमें बैठक में हम बैठे ही थे, महिला को कुछ बात कर रहे थे, मैं बैठे ही जैसे बैठे के बात करने के शुरू कर रहे थे तो वैसे ब्रिज पठा रहे यार और तू सरपंच है साले, तेरी माँ के ऐसे के तैसे तेरे को जान से मार लूँगा साले करके मेरे को गाली दिया। तो महिला समूह ने इकट्ठा हो गया कि तुम हमारे रहते हुए कैसे इसको मारेगा, जब हम गांव के मौजूद हैं तो पूरा हमारे जो पंच है सरपंच गांव वाले सब इकट्ठा हो गए, ये बोले कि तुम हमारे रहते कैसे इसको मारेगा कैसे गाली, तो सबको हाथ पकड़ गाली दिया महिला समूह को गाली वाला दे। साहब से हमने थाना प्रभारी के पास गया था कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है हमारे पास में, तो इसको क्या किया तो ठीक है अपना तहसीलदार साहब भी जाएंगे, हम भी जाएंगे और सख्त से सख्त कार्य इसके लिए करवाएंगे करके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सरपंच राजकुमार कुमरानी। सर ग्राम पंचायत दर्रा को के और कल तहसीलदार साहब और पंचायत की ओर से ब्रिजलाल पठारी एवं धर्मू प्रभुआ का अतिक्रमण हटाए उसी बात को लेकर ग्राम सभा हुई थी आज 6/8/2023 को। ग्राम सभा में आकर ये गाली देने के बाद ब्रिजलाल का गाली देना और धर्मू प्रभुआ का गाली देने की बात बताए, जिसे पुलिस पेट्रोलिंग पटेल ला के मुनाजा कराया गया। तो कल सर पीड़ितों के द्वारा बताया गया है कि आरोपी के द्वारा इस परिधि में आता है अच्छा उनको बोला जो आप मान लो यदि IPC द्वारा करेंगे तो भी उसमें जवान कहीं थाना से जाएगा और वहाँ SDM न्यायालय पुलिस करेंगे गाँव की परिधि में आता है। सर कैसे किस रूप में लेंगे, जैसे कि आज के डेट में कसडौल थाना में सामूहिक रूप से गांव पूरा आता है और सरपंच के द्वारा अश्लील गाली गलौज की बातें सामने रखी गई है, लिखित शिकायतों में भी कहा गया है, इसमें 151 क्या उचित कार्रवाई होगी? उचित मान लिया जाएगा।